आचार्य जी कुछ ऐसा अभ्यास शेयर कीजिए मतलब एक कंप्लीट अभ्यास जिससे हम पेट की चर्बी कम कर सकें एब्डोमिनल फैट कम कर सकें नमस्ते मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर और आज हम विशेष रूप से ऐसे अभ्यास सीखने वाले हैं कंप्लीट शेड्यूल जिससे आपका एब्डोमिनल फैट एक हफ्ते के अंदर पेट ढीला होने लगेगा और एक महीने के अंदर अंदर आपके एब्स बन जाएंगे बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ ऐसे अभ्यास भी हैं जो कमर दर्द के पेशेंट्स या फिर जो जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या घुटनों में दर्द है वो उसका अभ्यास नहीं कर सकते तो उसको प्रिकॉशन लेते हुए इसका अभ्यास करना है अगर ऐसे लोग जो कमर में दर्द है घुटने ख़राब हैं ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हम कैसे पेट कम करें क्या हम कम नहीं कर सकते पेट तो आपके लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे वो आप देखिएगा निश्चित रूप से आप भी पेट की चर्बी कम कर सकते हैं लेकिन कैसे ये वाले अभ्यास से नहीं जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है उससे कमर दर्द सर्वाइकल घुटनों के दर्द या ज़्यादा अभ्यास ना करने की स्थिति वाले लोग भी अपने एब्स बना सकते हैं तो आइए सीधा सीधा अभ्यास से शुरू करते हैं एक एक क्रिया को अच्छे से देखिए समझिए और ये पूरा का पूरा अभ्यास प्रतिदिन पंद्रह से बीस मिनट लेगा लेकिन निश्चित रूप से आपके एब्स बन जाएंगे सबसे पहले हल्का वार्म अप करने के बाद हम करेंगे पाद हस्त गति जिसके लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों को इस प्रकार से आगे पीछे कर लेंगे दाएं हाथ को सीधा रखते हुए दाएं पैर को ही उठा करके हथेली से दाएं हथेली से ही छूने का प्रयास करना दस बार दाई ओर से ऐसा करने के बाद फिर बाई ओर सेम इस ही स्टेप को दोहराना सांस छोड़ते हुए पैर को हथेली से छूने की कोशिश और फिर शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ दें दस रिपीटेशन से शुरू करें और कम से कम तीन राउंड यानी तीस रिपीटेशन तक इसको लेकर के जाएं। दूसरे अभ्यास में पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में खोल देंगे हाथों पर और कान और बाजू का साथ नहीं छूटेगा सांस छोड़ते हुए आगे झुकना सांस भरते हुए ऊपर सांस छोड़ते हुए आगे झुकना सांस भरते हुए ऊपर कम से कम दस रिपीटिशन इसके भी करेंगे दस रिपीटिशन का एक राउंड तीन राउंड तक आप धीरे थीर धीरे अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं प्रयत्न शैथिल्यम रिलैक्स अब हम करेंगे कागति जिसके लिए हम उकड़ू बैठ जाएंगे और उकड़ू बैठ करके इस तरह से चलना है जैसे महिलाएं पोछा लगाते हुए पहले चलती थी ये हमारे एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करता है जितनी देर कंफर्टेबल हो उतनी देर एक लंबे से एरिया में इस तरह से घूम करके आए और फिर अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। प्रयत्न, रिलैक्स। फिर हम यहां से लेंगे वज्रासन में बैठ करके अग्निसार क्रिया का अभ्यास यानी वज्रासन में बैठना शरीर को थोड़ा सा आगे झुका देंगे पूरा सांस बाहर छोड़ देना सांस बाहर ही छुटा रहेगा पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना एक एक्सेल्ड पोजिशन में जितनी भी देर आप अपने पेट को अंदर बाहर मूव कर सकते हैं उतना करना जब लगे अब सांस और देर बाहर नहीं रुक पा रहा है तो पेट को ढीला छोड़ देंगे नासिका से सांस ले लेंगे अग्नि सार क्रिया एक्सेल पेट का अंदर बाहर पूरा मूवमेंट सांस बाहर ही छुटा हुआ है जब लगे कि अब और देर सांस बाहर नहीं रुक पा रहा है तो पहले पेट के मूवमेंट को रोक दिया नासिका से सांस भर लिया कम से कम पांच रिपीटेशन हम इसके कर सकते हैं शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया एक बार और इसे ध्यान से देखिए पूरा सांस बाहर छोड़ दिया सांस बाहर छुटा हुआ है पेट को बिल्कुल ऐसे हम मूव करेंगे जैसे हम कपड़ा झाड़ रहे हो जितनी देर यथा सामर्थ्य सांस को बाहर रोक करके ऐसा कर सकते हैं करना फिर पेट को ढीला छोड़ देना सांस को भीतर ले लेना थोड़ी देर जरा लंबी गहरी सांस लीजिए कम से कम पांच रिपीटेशन तो इसके हम करेंगे ही करेंगे अगर हमें फैट को कम करना है अब हम कमर के बल लेट जाएंगे और पाद उत्थान यानी कमर के बल लेट जाइए कमर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए जैसे हमने आरंभ में कहा कमर दर्द और घुटने दर्द वाले थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें हाथ ऊपर हैं पूरे शरीर को खींच दिया सांस छोड़ते हुए घुटनों को फोल्ड किया और पेट के अगेंस्ट प्रेस कर दिया एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल ऐसा कम से कम दस बार करना और दस रिपीटेशन का एक राउंड एक राउंड से शुरू कीजिए धीरे धीरे तीन राउंड्स तक इसको आपको ले जाना है एक्सेल एंड बैक एक्सेल एंड बैक कमर दर्द वाले लोग इन क्रियाओं का अभ्यास नहीं करेंगे अग्निसार का कर सकते हैं बाकी किसी का नहीं करेंगे फिर अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए रिलैक्सेशन अब हम लेंगे यानी कमर के बल लेटना एडी पंजे मिले हुए सांस भरते हुए पैरों को 45 डिग्री एंगल पर उठाना पादोत्थान आसन के लिए यथा सामर्थ्य रुकना जितनी देर स्थिर सुखम आसन हम रुक सकते हैं सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस ले आना ऐसा आप तीन बार रिपीट कर सकते हैं इनहेल पैरों को उठाना यथा सामर्थ्य स्थिति में रुकना जितनी देर रुक सकते हैं सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल होल्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल एक्सहेल पैर वापस ले आना शरीर को ढीला छोड़ दें अब हम लेते हैं पाद उत्थान गति का अभ्यास सांस भरते हुए पैरों को 45 डिग्री पे उठाना और 45 डिग्री पे रखते हुए एक्सेल करते हुए घुटने को मोड़ते हुए थाइस को पेट के अगेंस्ट प्रेस करना फिर 45 डिग्री पे ले जाना एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल इसका हम 10 रिपीटेशन का एक राउंड करते हैं हम आरंभ में एक राउंड करेंगे फिर धीरे धीरे इसको भी तीन राउंड तक ले जाने की कोशिश करेंगे जब 10 बार रिपीट हो जाए फिर अपने शरीर को ढीला छोड़ दें दोबारा से देखिए एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेलो का पूरा मूवमेंट हो रहा है पेट के अगेंस्ट हमारे थाई प्रेस कर रहे हैं, जिससे विशेष रूप से, से हमारा जो एबडोम है उस पर exercise मिल रहा है, और पेट की जो नीचे निचले हिस्से पे चर्बी है वो कम होनी आरंभ हो जाती है तीसरी बार फिर से रिपीट करें दस दस के तीन राउंड हमने यहां पर किए यानी थर्टी रिपीटेशन हमने यहाँ कर लिया लेकिन तीन टुकड़ों में दस दस के रिपीटन एक राउंड के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने आप को थकाना नहीं है ऐसा करने के बाद प्रयत्न शैथिल्यम रिलैक्स अब हम इसी ही गति का दूसरा वेरिएशन करेंगे पाद उत्थान गति का सांस भरते हुए पैर को उठाए सांस छोड़ते हुए बैन इनहेल एक्सेल आप जब पैर को नीचे ला रहे हैं तो जमीन से नहीं छू रहे हैं, वो हवा में ही है लेकिन उठाया फोल्ड किया स्ट्रेच किया 45 डिग्री पे डाउन इतना एक राउंड है मतलब एक स्टेप है है ना तो हमें इसके भी 10 रिपीटेशन का एक राउंड होगा और शुरू में आप एक राउंड से शुरू करेंगे फिर धीरे धीरे इसके भी रिपीटेशन को बढ़ाते चले जाएंगे तीन राउंड तक हम इसको भी लेकर के जाएंगे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए पूरा शरीर ढीला छुड़ा हुआ प्रयत्न शैथिल्यम अब यहां हमने अपने थाईस को पेट के प्रेस किया और जिस तरह से हम साइकिल चलाते हैं ना ऐसे साइकिलिंग कर रहे हैं लेकिन दोनों पैर से नहीं एक ही पैर से तो पूरा चक्राकार मूवमेंट देख रहे हैं आप फोल्ड स्ट्रेट एंड सर्कुलर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हमें ऐसा करना है पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना दस बार हम क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे अपने पेट पर पड़ने वाले प्रभाव पर पूरा ध्यान टिकाएंगे और जब दस बार पूरा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाए फिर यहीं से हम दस बार पहले तो शरीर को ढीला छोड़ दीजिए है ना दस बार जब क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया रिलैक्स कर दीजिए अब दस बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉक में आपको थोड़ा सा स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा बट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा होता है तो पूरा का पूरा बड़ा चक्र बनाना और पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना और फिर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो प्रयत्न शैतल्य में आप रिलैक्सेशन इसके भी हम तीन रिपीटेशन तक करेंगे दस